हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए, आ जाइए और कर दीजिए शेयर अपने साथियों के साथ में, बिकॉज अभी नया मिशन JRF पर जीत हमारा शुरू हो चुका है और JRF पर जीत लेकर रहेंगे पेपर वन और पेपर टू की अल्टीमेट प्रिपरेशन आपके अपने चैनल अन अकेडमी UGC नेट पे करते हुए। मेरे साथियों, यहाँ पे जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट एक रहेगी कि एक बार फटाफट से करिए शेयर अपने साथियों के साथ में, बिकॉज शेयर जो होता है ना वो शेयर कर देगा। फटाफट अपने साथियों को जोड़ लीजिए और बता दीजिए कि पॉलिटिकल साइंस के लिए मोस्ट अल्टीमेट क्लास, जिसका मोस्ट वेटेड क्लास हम कह सकते हैं, वो शुरू हो रही है और JRF पर जीत का नया मॉड्यूल आप लोगों के सामने आ रहा है। हम लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आज जो पढ़ने वाले हैं वो है MN रॉय। MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। राजवीर कौर, सूरज पंडित, ज्योति राणा, प्रीति चंद्रा, सौरभ कुमार, दिनेशी कुमारी, अर्शिया तलत, आलोक आजाद, सभी को गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। अभी बारी शेयर करने की, साथ साथ में सबको जोड़ लीजिए और आज जो नया मिशन शुरू हुआ है उसका आगाज कुछ नए अंदाज में करते हैं। यशिका, प्रिया, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, लाइक शेयर बैक टू बैक होता रहे, वीडियो को करिए लाइक और करिए साथ में शेयर। तो फिर शुरू करें क्लास को और बाकी सभी लोग जो भी पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे साथी हैं वो भी धीरे धीरे एड ऑन होते जाएंगे। सो डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पता है कि आज ये जो हमारी क्लास रहने वाली है, इसकी जो हमारी डिटेल क्लास का, ये हम आज इसका लास्ट मॉड्यूल कवर करेंगे। कल से आप लोगों के लिए, क्योंकि JRF पर जीत मिशन है, तो अब बारी आ जाएगी MCQs की। तो कल से बहुत ही शानदार दमदार MCQs की सीरीज शुरू हो जाएगी। और MCQ किसी भी कीमत पे, अगर आप ये बोलेंगे कि सर हमें पर्टिकुलर यूनिट से MCQs करा दीजिए, तो मैं वो नहीं कराऊंगा। हमारे यहां चलेंगे मिक्स MCQ के मॉक टेस्ट, और टेस्ट भी किस लेवल का होगा वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है, और आप लोगों के एग्जाम के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बूस्ट अप मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो कल से MCQs के लिए रेडी रहिएगा, ये मान के चलिएगा कि आपकी एग्जाम आ चुकी है और एग्जाम की रियल प्रिपरेशन वहीं से शुरू होगी, ठीक है। तो मिक्स MCQs यानी यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक की कंप्लीट कहानी बेहतरीन MCQs के साथ में मैं लेकर के आऊंगा। अब आप लोग बस तैयार रहिएगा कि हाँ सर, जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, और MCQs को करना नहीं, सिर्फ उसको समझने को भी तैयार आपको होना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून नेहा गौड़, छवि मलिक, सुमन, प्रिया, सौरभ, शशि संगमार। एग्जाम की पूछी जा रही है, मान के चलो यार 99% एग्जाम के चांसेस हो रहे हैं September 2021 में। तो सितंबर में एग्जामिनेशन की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और सितंबर के जस्ट अगला एग्जाम December 2021, और उसके बाद में मेरे दोस्तों June 2021 के लिए आप लोगों को रहना है तैयार। हथियारबंद हो जाइए, एकदम पुख्ता कर लीजिए अपने आप को, बैक टू बैक 3 एग्जामिनेशन देने हैं। तो जो भी लोग अब तैयार हैं, एक बार थम्स अप करिए। मैं देता हूं अपने नए न्यू JRF बैच की इंफॉर्मेशन, फिर करते हैं आपके कंटेंट की शुरुआत। तो मेरे दोस्तों, हमारा न्यू JRF बैच, क्योंकि बैच का नाम ही JRF बैच इसलिए रखा है क्योंकि फाइट ही अल्टीमेट JRF की है। नेट तो हो ही जाएगा जब JRF कवर होगा। न्यू JRF बैच शुरू जस्ट हो चुका है, आप लोगों को जुड़ जाना है उसके अंदर। मेरे दोस्तों, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ में बढ़ते हुए कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको अनअकैडमी पे पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे, कुछ नए भी आएंगे, नयों को कुछ डिटेल दे देता हूं। दोस्तों, YouTube की कुछ क्लासेस आप देखते हैं, स्पेशल सेशंस होते हैं, और उसके साथ में एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट होता है प्लस या आइकॉनिक, इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है। मैं जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। मेरे साथियों, अनअकैडमी आपका बेस्ट एजुकेशन पार्टनर रहेगा हमेशा। पेपर वन और पेपर टू दोनों अगर आप कवर करना चाहते हैं, तब आप क्या करिए, अनअकैडमी पे ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है, आपको रेफरल कोड यूज करना है अनअकैडमी के ऊपर, Parik10। Parik10 कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा पेपर वन और पेपर टू दोनों पर। दोनों ही पेपर एक ही साथ कवर होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो अनअकैडमी पे NTU UGC NET के लिए आप क्या करिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए
उसके बाद में एनटीए यूजीसी नेट गोल सेलेक्ट करिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी 12 महीने और मिनिमम 24 महीने की, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान पे रखनी है और बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। ध्यान एक बात का रखिए कि 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे भी 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट फेवरेट मोस्ट ऑथेंटिक रेफरल कोड है पारिक 10 लगाइए और अपनी सक्सेस को अश्योर कर लीजिए। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत हमारे आज के इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जिनको हमें पढ़ना है, समझना है और डिटेल में जानना है, वो कौन है? M.N. Roy। क्या नाम है सर? M.N. Roy। ये M.N. Roy को आपने समझा जाना, लेकिन बात यह है कि इनका नाम M.N. Roy भी आता है और इनका नाम M.N. Bhattacharya भी आता है। क्या क्या नाम हो गए सर? M.N. Roy और M.N. Bhattacharya। तो M.N. Roy कौन थे और M.N. Bhattacharya कौन थे? मेरे दोस्तों दोनों एक ही व्यक्तित्व थे, लेकिन सन 1918 में M.N. Roy ने अपना नाम, M.N. Bhattacharya ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया था? M.N. Roy कर लिया था। क्लियर रहेगा क्या? M.N. Roy, M.N. Bhattacharya, वुड इट बी क्लियर ऑल ऑफ यू? M.N. Bhattacharya क्या हो गए थे? M.N. Roy हो गए थे। किस सन में? सन 1918 में। ये ध्यान रखिएगा। अब इनके बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूं। M.N. Roy कहां से शुरू हुए, इनका व्यक्तित्व कैसे बना, इनकी सोच क्या थी, इनका नजरिया क्या था, किस तरीके से ये आगे चीजों को लीड कर रहे थे, उन सारी बातों को आज हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या इसकी स्पेशलिटी रहेगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं M.N. Roy साहब की बेसिक डिटेल को जानने और समझने की। आप लोगों को एक बात तो लगातार इस क्लासेस में रहते हुए समझ में आ ही गई होगी कि सर मोस्टली जो भी हमने थिंकर देख रहे हैं, जो भी रिवॉल्यूशनरी आइडिया आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे को बंगाल से दिख रहा है और कलकत्ता जो है वो उनकी जन्मभूमि नजर आती है। यानी कलकत्ता मेनली आ रहा है ना, वेस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं। तो जो M.N. Roy थे मेरे साथियों, M.N. Roy का जन्म भी 6 फरवरी 1886 को मेरे साथियों इनका क्या होता है? जन्म होता है। 6 फरवरी 1886 को इनका जन्म होता है और जन्म होता है कहां पे? पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता तो मैंने सिर्फ जगह बताई है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक जिला आता है 24 परगना, लिखते चलिएगा। क्या नाम बोलेंगे सर? 24 परगना नामक जगह पे इनका जन्म हुआ। ये 24 परगना नामक जो जगह है मेरे दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में आती है। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था 24 परगना नामक जिले में, और 24 परगना नामक जिले में इनका जन्म हुआ 1886 में। अब 1886 से लेकर के अगर इनकी हम डेथ की बात करें तो इनकी मृत्यु मेरे साथियों हुई थी 25 जनवरी को, 25th of January 1954। क्या याद रखेंगे सर? 25 जनवरी 1954 को इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कहां होती है? मृत्यु होती है लगभग यहां, यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सी जगह? यूके से यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, यूके फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में इनका मृत्यु होती है। बट उस टाइम के ऊपर ये उत्तराखंड नहीं था, ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। वर्तमान में ये उत्तराखंड है, ध्यान रहेगा, वर्तमान में ये उत्तराखंड है। डेथ हुई है कहां पे? देहरादून में। मृत्यु कहां हुई मेरे साथियों? देहरादून में इनकी मृत्यु होती है। अब देहरादून इनकी मृत्यु की जगह हो गई, 24 परगना इनका जन्मस्थल हो गया। 6th of February 1886 इज द बर्थ डेट एंड 25th of January 1954 इज द प्लेस ऑफ देहरादून इज अ प्लेस ऑफ डेथ एंड द डेट ऑफ दैट इज 25th of January 1954। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने M.N. Roy साहब के बारे में आपको बताई। दोस्तों देखिए, जो M.N. Roy साहब थे, M.N. Roy साहब का भी जीवन 3 चरणों में देखने को मिलता है। जैसा कि हमने अरविंदो के जीवन को 3 पार्ट्स में देखा, वैसा ही हमने एक चीज और पाई है कि M.N. Roy साहब का भी जो पॉलिटिकल लाइफ है, मेनली कौन सी लाइफ की बात करेंगे हम? पॉलिटिकल लाइफ। नोट साथ साथ में बनाते चलिएगा सर, और एग्जाम के अंदर सवाल सीधे यहीं से देखने को मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। M.N. Roy साहब की अगर पॉलिटिकल लाइफ यानी राजनीतिक जीवन को देखें
तो मेरे दोस्तों वो तीन पार्ट में आपको नजर आएगा। ये तीन पार्ट कौन से हैं, चलिए देखा जाए। तीन पार्ट पे नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले इनकी जो एक्टिविटीज थी, फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, दैट वाज रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट। रिवोल्ट हो गया। अब रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट हो गए यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, इनको टाइटल हम देते हैं, जो कि अरविंदो के साथ में भी कुछ ऐसा ही था, वो भी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। जस्ट अ मिनट, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट हो गए सर, ध्यान रहे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हुए। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के बाद में इनका दूसरा चरण आता है मार्क्सिस्ट, ये मार्क्सवादी हुए फिर। यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी से दूसरा चरण कौन सा आ गया, मार्क्सवादी का। और मार्क्सवादी के बाद में जब ये आगे बढ़े, उसके बाद में ये हो गए नव मानवतावादी, नियो ह्यूमैनिटेरियन। क्या हिंदी में लिखेंगे इसको, नव मानवतावादी। दोस्तों ध्यान से अब बात को समझिए, देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली इस पूरी बात में ये समझना होगा कि जैसे जैसे उनके राजनीतिक अनुभव बदलते गए, जैसे जैसे उनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस में चेंज आता गया, वैसे वैसे उनकी विचारधारा भी बदलती गई। ठीक है, उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन आता गया। अब देखिए, बारी आप लोगों के हाथ में है सर, क्लास की लाइव वॉचिंग को बढ़ाइए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए कि क्लास का पढ़ने और पढ़ाने का मजा आ जाए। तो हर बात के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ हमारी ये रहेगी कि आप क्लास को शेयर बैक टू बैक करते रहिए। अब ये नव मार्क्सवादी व्यक्ति हो गए, नियो मार्क्सिस्ट हो गए, अब उसके सॉरी नियो ह्यूमैनिटेरियन हो गए। अब क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, किस रूप में आगे बढ़ रहे थे और क्या ये चाहते थे, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनका रिवॉल्यूशनिस्ट, आपकी जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो कहानी थी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कैसे हुए, उसके बारे में आपको कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूं। देखिए, एम एन रॉय, हमने यहां पे लिखा, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। अब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी होते के साथ में इनके पास में क्या क्या नई चीजें डेवलप ये कर रहे थे, बात ये समझिए मेरे दोस्तों। जब इन्होंने धीरे धीरे चीजों को देखा और समझा, तो आप ये समझिए कि बहुत बिगनिंग के अंदर, बहुत बिगनिंग में, आप इनका बर्थ समझ रहे हैं ना, 1886 का बर्थ है। 1886 का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के बाद में, और उस समय के ऊपर जो बाल गंगाधर तिलक या फिर जो कुछ और कम्युनिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई थी, वो 1890 के आसपास में शुरू हो गई थी। अब 1890 पे कितने साल के होंगे, 4 साल के होंगे। वहीं पे 1905 के आसपास में, आप मेरे साथियों समझिए, 1905 में जब भारत के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया, तो बंगाल का विभाजन करने के टाइम पे उस समय के बाद में कुछ गतिविधियां कम्युनिस्टियों की और क्रांतिकारी लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब जब बढ़ गई थी तो उनका बचपन का समय था ये, इस समय ये युवावस्था में आ रहे थे, तो जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने समझा, जितना जाना, वही सब चीजें उनके विचारों में उतर गई, वही सब चीजें इनके विचारों में उतर गई। अब मेरे साथियों, इनके साथ इनकी कहानी हुई क्या, इन्होंने क्या किया कि जब शुरुआत में आप देखिए, एक हावड़ा कॉन्स्पिरेसी हुई थी, हावड़ा षड्यंत्र, ये जितने भी षड्यंत्र के नाम से आप कहीं सुनेंगे, जैसे हावड़ा षड्यंत्र हो गया, कानपुर षड्यंत्र हो गया, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, कानपुर षड्यंत्र। अब ये हावड़ा षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र का मतलब होता क्या था, दोस्तों कहानी को समझने की कोशिश करिए कि कुछ कम्युनिस्ट यानी कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट मत कहिए, क्रांतिकारी लोग कहिए, ये एक संगठन बनाते थे और इनकी ये मान्यता होती थी कि अगर अंग्रेजों का सफाया करना है तो उसके लिए मतलब आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, आपको क्रांति करनी पड़ेगी, आपको उनके साथ में लड़ना पड़ेगा।
अब इनसे बोला गया कि भाई एक बात बताओ, आपके सामने तो कांग्रेस का एक बहुत अच्छा विकल्प है, कांग्रेस मौजूद है, फिर आप वो एक्टिविटीज क्यों नहीं जनरेट कर रहे हो? तो ये लोग क्या सोचते थे कि कांग्रेस एक वो संगठन है जो अंग्रेजों के तलवे चाटता है, इनके जो अनुनय विनय की नीति है, हाथ जोड़ने की नीति है, उससे ये क्रांति संभव नहीं है, उससे क्रांति संभव नहीं है, उससे आजादी संभव नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों यहां पर इन्होंने क्या किया, कुछ एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व हो गए। तो एम एन रॉय साहब को कितनी बार देखिए, हावड़ा षड्यंत्र में इनको आरोपी बना दिया गया, कानपुर षड्यंत्र में इनको आरोपी बना दिया गया। अभी जब मैं बोलता हूं कि हावड़ा कॉन्स्पिरेसी या कानपुर कॉन्स्पिरेसी, इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि किसी भी रूप में ये लोग एक संगठन बना करके या तो खूनी हमला करने की साजिश करते थे या तो बम ब्लास्ट करने की साजिश करते थे। इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे हथियार होते जिससे कि वो किसी की हत्या कर सके, मर्डर कर सके और अंग्रेजों में अपना भय डाल सके। तो जब वो षड्यंत्र होते थे, वो ओपन हो जाते थे, उसके बाद में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां होती थी। तो उसके अंदर क्या हुआ था, इनको गिरफ्तार भी किया गया था इन दोनों ही केसेस में, हावड़ा षड्यंत्र में कह लीजिए और कानपुर षड्यंत्र में कह लीजिए, इनकी गिरफ्तारियां हुई थी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मेरे साथियों यहां पे दो बातें जानने की और हैं। इनके साथ में इन्होंने क्या किया था, कुछ संगठन हुआ करते थे, संगठन का नाम देखिए युगांतर, ये नाम आपने सुना होगा। युगांतर और एक था अनुशीलन समिति। युगांतर और अनुशीलन समिति नामक कुछ संगठनों से ये जुड़े और उसके साथ में इन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार थम्स अप करके बता दें सर कि क्लियरिटी आपको आ रही है कॉन्सेप्ट की और शेयर आप कर नहीं रहे हो। बैक टू बैक शेयर होना चाहिए अगर पॉलिटिकल साइंस को ढंग से समझना है तो, ठीक है, ढंग से समझना है तो बैक टू बैक शेयर, मतलब आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो यार, मतलब कुछ लाइक थम्स अप दिखाते रहो, बताते रहो भी समझ आ रहा है तो लगे भी बच्चे पढ़ रहे है ना। अब युगांतर अनुशीलन टाइप की समिति से जुड़े। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या, आप ही चीज देखिए कि 1886 से इनका जन्म होता है और उसके बाद में जब इनके विचारों में, जब इनके विचारों के अंदर समाजवादी टच आने लगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रो तो कर रहे थे ना, धीरे 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 विकास हो रहा था। तो अपनी किशोरावस्था में या फिर अपने युवावस्था में आप इस बात को समझिए कि इनका नजरिया एक क्रांतिकारी का था। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपनी स्टडी शुरू करी, मतलब जैसे ये बढ़ते गए, बड़े होते गए, इन्होंने स्टडी करी। अब इन्होंने जब स्टडी करी, अध्ययन किया, तो अध्ययन के क्रम में ये कहां तक पहुंचे आपको पता है, ये पहुंच गए समाजवाद तक। ये समाजवाद को पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। समाजवाद इंग्लिश में कहें तो सोशलिज्म। इन्होंने किसकी स्टडी करी मेरे दोस्तों, सोशलिज्म की स्टडी करी। अब जब इन्होंने सोशलिज्म को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मैच्योरिटी तो लाइफ में आ ही रही थी ना, एक उम्र के बड़े पढ़ाव की तरफ जा रहे थे, इनको समझ में आया कि छिटपुट छिटपुट हमलों से कुछ नहीं होगा, अब आपको सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, समाजवादी क्रांति करनी पड़ेगी। तो अब वहां पे तो क्या होते थे, अटैक होते थे, अब अटैक से किस पे आ रहे थे, ये रिवॉल्यूशन पे। मतलब अब हमला नहीं करना, हमले का बहुत बड़ा रूप क्या करना है मेरे दोस्तों, क्रांति करना है। अब ये हमले की जगह क्या करना चाह रहे थे, क्रांति करना चाह रहे थे, रिवॉल्यूशन करना चाह रहे थे। अब ये समाजवादी लोग, ये समाजवाद के जब ये प्रभाव में आए, समाजवाद को जब पढ़ना इन्होंने शुरू किया, तो समाजवाद को पढ़ते पढ़ते इनका रुझान जो था वो धीरे 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 किसकी तरफ हो गया, कम्युनिज्म, यानी ये साम्यवाद के पक्षधर हो गए। अब साम्यवाद के पक्षधर हुए जिस समय, ये साम्यवाद को जान रहे थे, साम्यवाद को समझ रहे थे, वो समय इनका बहुत ही यंग एज थी। यंग एज का मतलब वो एक जवान अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे। इनको ये समझ में आ गया कि हिंदुस्तान की तकदीर, हिंदुस्तान की जो तकदीर है वो छिटपुट हमलों से नहीं सुधरेगी। उनको लगा कि ना तो हमले कारगर हैं और ना ही कांग्रेस कारगर है। कांग्रेस के लिए तो इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या कहा
कि भाई देखो कांग्रेस तो क्या है, एक तरीके से जो बुर्जुआ सोसाइटी है, बुर्जुआ वर्ग है, अमीर लोग हैं, उनका संगठन है, ये कभी क्रांति कर नहीं सकते। तो इंडिया के फ्रीडम के लिए रिवॉल्यूशन कंपलसरी है, और ये रिवॉल्यूशन दो लोग मिलकर के करेंगे, एक करेगा लेबर, लेबर बोले तो मजदूर, और मजदूर का बहुत हद तक साथ देंगे फार्मर, फार्मर बोले तो किसान, क्योंकि इनके हित वहां पे नहीं सध रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन आ रहे हैं, या तो मजदूर आ रहे हैं या तो किसान आ रहे हैं। अब बात ये समझिए, इनको बोला कि भाई तुम एक बात बताओ, फिर जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में आप क्या सोचते हो? इन्होंने कहा कि वो भी फर्जी था। क्या कहा इन्होंने सीधा, फर्जी वर्ड यूज नहीं किया था, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इन्होंने उसको फर्जी बता दिया भाई, एकदम एकदम बेकार बकवास, कोई यूज का नहीं था। पूछा भाई क्यों यूज का नहीं था? इन्होंने कहा कि 1857 के अंदर जो फ्यूडल, जो सामंत लोग थे, ये सामंत लोगों की इच्छा थी कि हम सत्ता शासन वापस ले लें, उनका देश को आजाद कराने का या भारत को उपनिवेशवाद से मुक्त करने का तो कोई इरादा था ही नहीं। अच्छा तो फिर क्या चाहते थे? वो तो बोले कि ये लोग तो अपना खुद का शासन चाहते थे, इसलिए 1857 की क्रांति भी कोई मतलब की नहीं थी, ना ही यहाँ पे क्या थी, जो कांग्रेस है कांग्रेस भी फर्जी काम कर रही थी। इन्होंने तो बोला कि अब ये जो यहाँ पे जो हिंदुस्तान की 90% जनसंख्या लेबर और फार्मर है, यही लोग क्रांति करेंगे सर, यही लोग क्रांति करेंगे। शुभम चौहान कह रहे हैं सर क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिबेल एंड रिवॉल्यूशन। विद्रोह मेरे दोस्त, देखो हर क्रांति की शुरुआत विद्रोह से होती है, याद रखिएगा, हर रिवोल्ट जो होगा वो रिबेल से शुरू होता है, हर क्रांति की शुरुआत किससे होगी, विद्रोह से। अब बात ये समझिए कि आपने विद्रोह करने का मतलब समझते हैं कि किसी भी चीज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर देना, बुलंद किया, अगर उसने सामने वाले ने आपको कुचल दिया तो आपका विद्रोह कहलाएगा, और अगर आपने अपने सफलता पाई या इस हद तक सामने वाले को नाक में नकेल डाल दी कि उसका जीना हराम हो गया तो उसको हम क्रांति कहेंगे। तो क्रांति में और विद्रोह में फर्क समझ में आ गया आपको? क्रांति और विद्रोह में फर्क समझ में आया? सरल भाषा में समझ लीजिए, विद्रोह का प्रारंभ, क्रांति का प्रारंभ विद्रोह से होता है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल हम दे दें आपको, 1857 में मंगल पांडे ने कारतूस वो चर्बी बोला कि हम साहब ये गाय की चर्बी है, कारतूस पे यूज नहीं करेंगे। उधर मुस्लिम में भी ये सेंटीमेंट डेवलप हो गया कि इसमें सुअर की चर्बी यूज नहीं करेंगे, तो हम इसका, देखो एक और सुनो, अब सबसे पहले और बताता हूं, इसके तीन चरण याद कर लो। अब आप एक याद करो, विरोध, ठीक है, विरोध के बाद में होता है विद्रोह, और विद्रोह से बड़ी होती है क्रांति, ठीक है, बात समझ में आ गया। विरोध हो गया यानी किसी भी चीज को अपोज करना, फिर किसी भी चीज को रिबेल कर देना, और उसके बाद में उसको रिवोल्ट तक ले जाना। तो सबसे पहले मंगल पांडे ने क्या किया था, कारतूस पे चर्बी का विरोध किया था, विरोध किया, जब विरोध को स्वीकार नहीं किया गया, क्या क्या हुआ था, रानी झांसी की रानी ने क्या बोला था कि गोद निषेध प्रथा का विरोध किया, कि भाई ऐसा मेरे को बच्चा वो गोद लेने तो तुम्हारे कानून का मैं विरोध करती हूं। विरोध की जब स्वीकृति नहीं होती है, बात को समझ लीजिएगा, विरोध की जब स्वीकृति नहीं होती है, विरोध को जब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तब विरोध का अगला चरण होता है विद्रोह। बोलता है कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे, हमारे जो मुद्दे हैं उनको स्वीकार नहीं कर रहे, लो हम तुम्हारा विद्रोह करते हैं, तुम्हारे कानूनों को हम ठुकराते हैं, हम ही अपने लेवल पे तुम्हारे कानूनों को ठुकरा देंगे। अब वो विद्रोह सशस्त्र भी हो सकता है, आर्मड भी हो सकता है, और जब विद्रोह बहुत बड़ी तादाद में चला जाता है तब उसे क्रांति कहते हैं। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश में सुन लीजिए, फर्स्ट स्टेज इज अपोजिशन, व्हेन यू अपोज समथिंग यू आर नॉट एक्चुअली यूजिंग द वेपन्स, यू आर जस्ट रेजिंग योर पॉइंट दैट सर I don't like this. I can't use this gun metal. I can't use this, you know, cartridge with the, you use the animal fat. You are doing the oppose. You are actually opposing the thing, opposing the law. And if somebody is not accepting your views, what you will do? You will start your, you know, exertion. You will start the rebel. And when your rebel moves to the, you know, the grand level, that would become the revolt. I think it is clear now. Kittu Jaya. Is it clear? Is it clear what the difference between opposition, rebel and revolt? I think who asked this question? Subham Chauhan. Subham Chauhan, देखो, तुमने पूछा, पूरा डिटेल में क्लियर कर दिया है। चलो, now come to the point. What was happening here, my dear friends?
एमएल रॉय वॉज थिंकिंग दैट कांग्रेस इज नॉट डूइंग एनीथिंग. द सामंस एंड ऑल द फ्यूडल्स एक्चुअली आर द मोस्ट फेलियर क्लास. अगर वही कुछ करते तो 1857 में रिजल्ट मिल जाता. बट नाउ द व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया को फ्रीडम कौन दिलाएगा, विच क्लास वुड वर्क हार्ड, विच क्लास वुड गिव द रिजल्ट, दैट इज द लेबर एंड फार्मर, दैट इज द लेबर एंड फार्मर. उनका इनकी आइडियोलॉजी यही बन गई थी कि अब तो सिर्फ लेबर और फार्मर के बेस के ऊपर रिवोल्ट होना चाहिए. यहां पे ये मार्क्सवादी हो गए थे. आप ये चीज देखिए कि अब यहां से जब इन्होंने सोशलिज्म पढ़ा और अब मार्क्सवादी उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़े, आप ये समझे सर कि इन्होंने 1915 और 16 के लिए एक रिवॉल्यूशन प्लान बनाया था. रिवॉल्यूशन प्लान बनाया था, एक क्रांति की योजना बनाई थी कि भारत को आजाद करा देंगे. बट चांस की बात थी कि ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया. परिणाम कुछ भी हो सकते थे इसके, लेकिन ये यू आर जयश्री. ओके जयश्री, जयश्री बेहरा, आई थिंक इफ आई एम रिकॉलिंग योर नेम करेक्टली, यू आर जयश्री बेहरा, जयश्री पांचाल और जयश्री बेहरा, आई थिंक. आई एम नॉट श्योर बट आई एम गेटिंग योर पॉइंट. लेबर्स एंड फार्मर्स. नाउ नाउ लिसन द थिंग सर. अब रिवॉल्यूशन प्लान दे दिया, क्रांति की योजना थी, फेल हो गई, नहीं कर पाए. अब हुआ क्या, इन्होंने 18 के अंदर, मैंने आपको बताया था ना कि 19 ये रिवॉल्यूशन का प्लान था इनका, रिवोल्ट का प्लान करने वाले फेल हो गए. अब 1918 में मेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशलिज्म को पढ़ा, समाजवाद को पढ़ा, नजरिया चेंज हो गया. इन्होंने कहा नाउ आई एम एम एन रॉय इंस्टेड ऑफ एम एन भट्टाचार्य. बात समझ में आ गई क्या? एम एन भट्टाचार्य को टाइटल को भट्टाचार्य टाइटल हटा दिया और खुद के नाम के आगे क्या लगा दिया, एम एन रॉय लगा दिया. अब ये पूछोगे सर क्यों लगा दिया, क्यों का कारण मुझे नहीं पता कि इन्होंने भट्टाचार्य को रॉय में कन्वर्ट करने से सोशलिज्म का क्या लेना देना है. हो सकता है कि कोई आइडल रहे हो रॉय के नाम से, बट आई एम नॉट श्योर, ना मुझे पता है. अब ये चीज क्लियर हो गई. अब भट्टाचार्य क्या कन्वर्ट हो गए, एम एन रॉय में कन्वर्ट हो गए. अब साहब इसके बाद में जब ये आगे बढ़ रहे थे, अभी एम एन रॉय का नाम तो पूरा पता ही ना, मानवेंद्र नाथ, राइट, एम एन रॉय से मानवेंद्र नाथ. अब पढ़ाई शुरू करी, अब 2 साल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये भी 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट हो गए. पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब इनको लगने लगा कि नाउ आई एम परफेक्ट. इन्होंने कहा कि नाउ आई एम सोशलिस्ट. खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया सर, खुद को समाजवादी डिक्लेयर कर दिया, खुद को बोल दिया कि आई एम सोशलिस्ट नाउ, अब मैं समाजवादी विचारधारा में रहूंगा. यानी अब रिवॉल्यूशनरी से ये क्या हो गए मेरे साथियों, ये सोशलिस्ट हो गए, ये समाजवादी हो गए. अब समाजवादी जैसे ये हुए, 1920 के बाद में इन्होंने फुल एक्टिविटी के साथ में काम करना शुरू कर दिया, फुल एक्टिविटी के साथ में काम करना शुरू किया. अब मेरे साथियों यहां पे देखिए क्या कुछ चीजें नहीं आ रही थी. अब 20 में खुद को घोषित किया कि नाउ हम सोशलिस्ट. अब 1918 से पढ़ना शुरू किया, 1918 से स्टडी शुरू हुई, 20 में खुद को सोशलिस्ट डिक्लेयर कर दिया. अब देखिए देखिए उसके 5 साल के बाद में 1925 में मिस्टर एम एन रॉय ने क्या किया, एक पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया. कौन सी सर, साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक पार्टी बनाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको. याद रहेंगे इन्होंने भारत और मैक्सिको दोनों के लिए ही कम्युनिस्ट पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया था. इनकी इस ऑफ बात को ध्यान रखिएगा. एम एन रॉय इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर रहे हैं, इवन इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको को भी इसके ये फाउंडर रहे हैं, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था. अब साथियों यहां पे कहानी हुई क्या, अब जिस रूप में आगे बढ़े, आगे कुछ जानकारियां लेते गए, अब इनके मन में क्या था, इनके मन में एक बात थी कि भाई भारत में रिवॉल्यूशन होना चाहिए. अब हिंदुस्तान में ये रिवॉल्यूशन करना चाह रहे थे, अब कौन सी क्रांति करना चाह रहे थे, ये सर्वहारा की क्रांति करना चाह रहे थे. यानी पीजेंट्स और लेबर की जो क्रांति थी वो उसको लाना चाह रहे थे, भी जो पीजेंट्स हैं, जो लेबर है, वो रिवॉल्यूशन करें. अब यहां पे इन्होंने क्या कहा, ये गए लेनिन के पास में. भाई लेनिन तो हेड थे ना कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के. अब लेनिन के पास गए, लेनिन को बोला कि हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, रिवोल्ट करना चाह रहे हैं. तो लेनिन ने पूछा कि डू यू हैव सफिशियंट यू नो द मास बैकग्राउंड विद यू, आपके सपोर्टर सफिशियंट हैं.
रिवोल्ट के लिए लेनिन के इस क्वेश्चन के ऊपर एम एन रॉय साहब ने कहा कि यस वी हैव इनफ यू नो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया, भारत में बहुत अच्छे समाजवादी लोग रहते हैं, हम क्रांति कर देंगे। ओके, तो यहां पर लेनिन ने इसको क्रॉस चेक किया इस बात को। जब इन्होंने क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने बुलाया सर सोमेंद्र नाथ टैगोर को। किसको? सोमेंद्र नाथ टैगोर, हिंदी में भी लिख देता हूं, सोमेंद्र नाथ टैगोर। अब सोमेंद्र नाथ टैगोर को इन्होंने पूछा कि भाई क्या वाकई में हिंदुस्तान में सोशलिज्म इतना हावी है? इसने कहा कि भाई चक्कर में आ मत जाना। क्या बोला? चक्कर में आ मत जाना रॉय साहब की बात में। इन इंडिया में गिनती के 10 से 12 कम्युनिस्ट हैं, कोई लेना देना नहीं है। अगर रिवॉल्यूशन करनी है तो कांग्रेस का साथ तो लेना पड़ेगा। बिना कांग्रेस के सपोर्ट के तुम सोचो इंडिपेंडेंट रिवॉल्यूशन हो जाएगी, फेलियर हो जाओगे। मानवेंद्रनाथ कह रहे नहीं, कांग्रेस तो बेकार संगठन है, कांग्रेस का साथ नहीं ले सकते। मैं कहता हूं ना वहां लोग हैं हमारे साथ में, लेकिन भाई साहब मानने को तैयार नहीं। कौन? लेनिन मानने को तैयार। लेनिन बोले कि यार सोमेंद्र बाबा, सोमेंद्र जो दादा है, सोमेंद्र सोम दादा कह रहे हैं कि वहां पे तो तुम्हारे को सपोर्ट ही नहीं है। बोला कि नहीं साहब सपोर्ट है। इस मुद्दे को लेकर के जब लेनिन ने इनके ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, लेनिन ने कहा कि नहीं, साम्राज्यवाद के विरुद्ध अगर आपको युद्ध करना है तो कांग्रेस का आपको साथ लेना चाहिए, समर्थन कर दिया। लेकिन हुआ क्या? एम एन रॉय साहब ने इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे साथ में हमारे को रहना नहीं है, तुम्हारे साथ में तुम्हारी विचारधारा के साथ हम नहीं रह सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? विचारधारा का साथ छोड़ने की बात कह दी। अब हुआ क्या साथियों, 1930 में, याद रखिएगा, सन 1930 के अंदर, पहली बात तो 1929 के अंदर, 1929 के अंदर इनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से बाहर कर दिया गया था कि इनको लगता था भाई ये तो कम्युनिस्ट सिद्धांतों के खिलाफ है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से इनको, कम्युनिस्ट जो ग्रुप था बड़ा, उससे बाहर कर दिया। और 1930 में इनको जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी थी, कानपुर षड्यंत्र था, उसके लिए इनको मेरे साथियों 6 ईयर्स के लिए कहां पे डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। कितने टाइम के लिए? 6 साल के लिए। अब 6 साल जेल में रहे, अब 6 साल जेल से जब बाहर आए मेरे साथियों, 6 साल जेल से बाहर आए तो इनका तो पूरा नजरिया ही बदल गया। नजरिया बदला भाई, अब क्या करना है? इन्होंने कहा कि अब तो हम नियो ह्यूमनिस्ट हो गए हैं, अब कम्युनिज्म सोशलिज्म भी छोड़ दिया है। नियो ह्यूमैनिटेरियन, नव मानवतावादी। अब देखिए जेल की हवा थोड़ी सी टेढ़ी लगी होगी, अब इनके तो नजरिए बदल गए। पहले तो देखो 1918 तक से लेकर के 1920 के इस कालखंड में ये समाजवादी बने, ठीक है, और उससे लेकर के लगभग 1930 तक ये समाजवादी रहे। बनने की प्रक्रिया 1918 में शुरू हुई, समाजवादी बने कब? 1920 में, छोड़ दिया कब? 1930 में। और बचपन में क्या रहे थे? बचपन में रहे थे मेरे साथियों रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी हो गए सर। अब नव मानवतावादी जैसे ही मेरे साथियों यहां पे आए, इन्होंने कहा कि भाई अब तो हमारे दो फिलॉसफी हैं, कुल मिलाकर के पहली चीज होनी चाहिए लिबर्टी। लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता, और दूसरी चीज चाहिए एथिक्स, मोरालिटी। मोरालिटी कहें तो नैतिकता। इन दो चीजों की बात करने लगे। इन्होंने पूरी तरीके से साम्यवाद का खंडन कर दिया। इन्होंने कहा कि जो आप बोलते हो ना इकोनॉमिक सेंस डेवलप होना चाहिए, इकोनॉमिक्स बीच में होती है, आर्थिक क्रांति, पूरे के पूरे साम्यवाद का मेरे साथियों रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने के बाद में इन्होंने कुल मिलाकर के क्या बात कही? इन्होंने कही कि अब विरोध किस आधार पर किया, इस विरोध को समझ गया। आप एक चीज देखिए कि जो कम्युनिज्म होता है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है सर, जो कम्युनिज्म होता है, जो साम्यवाद होता है, ये साम्यवाद जिस बेस पे रिवॉल्यूशन करना चाहता है, जिस बात को लेकर के रिवोल्ट करना चाहता है, रिवॉल्यूशन बड़ी बात है कि नहीं है इसमें, रिवोल्ट करना चाहता है, रिवोल्ट किस आधार पे करना चाहता है, रिवोल्ट का आधार क्या होता है, रिवोल्ट के लिए कहता है कि समाज के अंदर देखो एक तो जो है रिच क्लास हो जाएगी,
एक समाज में पुअर क्लास हो जाएगी। अब रिच और पुअर के बीच में जो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी डेवलपमेंट का कारण क्या है, उसका मतलब क्या था, एक्सेसिव प्राइस थ्योरी थी कि नहीं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था कि नहीं दिया था भाई। अतिरिक्त मूल्य जो होता है, एक्सेस जो प्राइस होती है, एक्सेस वैल्यू जो होती है, वो रिच आदमी अपने पास में रखता है, इसलिए गरीब कभी गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। अब ये जो एक एक्सेस प्राइस, एक्सेसिव प्राइस यानी जो अतिरिक्त मूल्य की बात है, एम एन रॉय ने क्या कहा, देखो बाद में जब पलटी मारी तब क्या कहा कि अगर अतिरिक्त मूल्य नहीं होगा तो समाज में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब इन्होंने जो मार्क्सवाद की जड़ थी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर उसी को ही रिफ्यूज कर दिया, कहा कि वो तो बड़ी अच्छी चीज है। अब समय का प्रभाव था कि अपनी आइडियोलॉजी थी वो तो ईश्वर जाने, लेकिन इन्होंने अपने विचारों को बदल लिया था मेरे दोस्तों। इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही थी, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड होगा, यानी कुल मिलाकर के मानव ही ये तय करेगा कि उसका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। मेरे साथियों यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि तीन तरीके से कैसे इनका जो क्रम था वो बदला। और पूरे टाइम पे ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू के घोर विरोधी थे, एक्सट्रीम मतलब ये एक तरह से उनको अपोज करते थे, उनके विरोधी थे, बहुत प्रबल विरोधी थे महात्मा गांधी के और जवाहरलाल नेहरू के। अब इनके विरोधी हो गए तो ऑब्वियसली कांग्रेस के भी अपोजिशन में थे, कांग्रेस को भी इन्होंने अपोज किया था। तो साथियों ये बात अभी पूछिए अरविंदो वाली क्लास कभी भी, मे बी आज तो नहीं, कल या परसों में कभी भी हम उसका एक्स्ट्रा सेशन लेकर के मैं उसको कराऊंगा, वो टॉपिक छूटेगा नहीं, इट इज माय प्रॉमिस। जैसे मैंने आपको पंडित रमाबाई रह गया था उसको मैंने करा दिया था, उसको भी मैं अभी जो अरविंदो वाली क्लास को भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, बेधड़क बेझिझक रहिए, डरिए नहीं। अब मेरे दोस्तों अब बात आपको बताता हूं, देखिए कल से क्या चलने वाला है, कल के लिए विशेष तैयार रहिएगा। कल से जो हमारी 1 PM वाली क्लास है, देखिए 3 PM वाली क्लास एज इट इज चलेगी, 3 PM वाली क्लास एज इट इज चलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो ही कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट वहां पे होगा। लेकिन जो 1 PM वाली क्लास है, अब 1 PM वाली क्लास में आप लोगों को करना है JRF पर जीत। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना होगा सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूं, ध्यान रखिएगा, मैं अभी करता हूं, जयश्री मैं करता हूं, एक मिनट सुन लो। प्रैक्टिस के लिए व्हाट वुड बी द डिफरेंस पॉइंट, क्या यहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा, आपको ऑर्डिनरी MCQs नहीं मिलेंगे, MCQs वो मिलेंगे जो मैं खुद रेडी करूंगा। बात समझ रहे हैं, अपने खुद के रेडी किए हुए MCQs, क्योंकि पहले जो भी बच्चे मेरे क्लास में MCQs कर चुके हैं वो अभी रिप्लाई करके बताएंगे कि जब मैं क्लास में MCQ लेकर के आता हूं उसका लेवल हमेशा अप टू द मार्क होता है। अभी जो आप MCQs देखेंगे आप बोलेंगे कि सर रियल में मतलब फील हो गया कि डिफरेंस है। अब यहां पे क्या करना है, अब हम MCQ विद एक्सप्लेनेशन, सबसे खास बात अपनी क्लास की यही रहती है, और अब जो क्लासेस आएंगी वो सारी की सारी आपके स्मार्ट बोर्ड पे आएंगी सर, मतलब बड़े बोर्ड पे क्लासेस मिलेंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारा समझ में कंटेंट आएगा। आइडियोलॉजी चेंज वाली बात जो पूछे जयश्री, अपने बर्थ से लेकर के 1918 तक ये नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी रहे थे, उसके बाद में 18 से लेके 1930 तक ये सोशलिस्ट रहे, और 1930 से लेकर के अपनी डेथ यानी 1954 तक ये नियो ह्यूमैनिटेरियन रहे थे। ठीक है, अब ध्यान रहे, और हाँ 3 बजे वाली क्लास तो होनी ही होनी है। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर बैक टू बैक रहे, 1 बजे और 3 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं। आइए पॉलिटिकल साइंस में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, और अनअकैडमी का सबसे बेस्ट कंटेंट पॉलिटिकल साइंस का अवेलेबल है, तो अनअकैडमी UGC नेट पे 1 बजे और 3 बजे वाली क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। साथियों मेरा न्यू JRF बैच की इंफॉर्मेशन ले लीजिए, न्यू JRF बैच, यदि आपका JRF ही लक्ष्य है और आपका लगता है कि सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा तो है समझा नहीं, तो पढ़ने के साथ में समझना भी शुरू कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस की मेरी क्लास अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, नाम मात्र की फी होती है। बताता हूं कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, जो नए स्टूडेंट है जानिए समझिए, और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ में रेगुलर बने हुए हैं सर Paper 1 और Paper 2 की अल्टीमेट प्रिपरेशन वहां पे आपकी हो जाएगी। Paper 1 मिल रहा है, Paper 2 मिल रहा है, Paper 2 का 100% सिलेबस मैं आपको कवरेज करवाऊंगा, गारंटी है। Paric 10 जो कि पॉलिटिकल साइंस का रेफरल कोड है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट पॉपुलर और बच्चों का सबसे चहेता, इसका कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखिएगा।
PAREEK10 मेरा रेफरल कोड है, मेरे रेफरल कोड से अकेडमी पे ज्वाइन हो जाइए, मेरा पर्सनल प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। पेपर टू की सबसे खास बात जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये कि मिनिमम 12 या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब लेना कैसे सब्सक्रिप्शन ये बता देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में भी जान लीजिए। 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के बीच में पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, एक्चुअली आई लिव दिस सब्जेक्ट, आई एम नोन फॉर माई इंटरेक्टिव टीचिंग स्किल जो कि आप बहुत प्यार मुझे देते हैं, UPSC, PCS और NET JEE स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, PAREEK10 मेरा रेफरल कोड है। अब मेरे दोस्तों दो सेगमेंट में क्लासेस अवेलेबल हैं, वांट टू ज्वाइन यू जस्ट ड्रॉप मी ए मैसेज जयश्री, यू जस्ट ड्रॉप मी ए मैसेज ऑन अकेडमी लर्निंग ऐप, आई वुड रिप्लाई यू व्हाट इज द बेस्ट वे टू मूव ऑन, क्लियर। प्लस है, आइकॉनिक है, प्लस के अंदर लाइव क्लास, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं। वहीं पे आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन होता है, आइकॉनिक में इनके अलावा पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है और स्टडी प्लानर मिलता है। मेरे ख्याल में आइकॉनिक JRF का बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हो सकता है। तो साथियों जो भी फीचर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल हैं, आप अपने बजट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना वेरिएंट चूज कर सकते हैं। अब आपको फीस मैं बता देता हूं, पहले फीस आप सुन लें समझ लें। आप जब 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते, 2 साल के सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप 2 साल तक लगातार आप हमारे साथ में बने रहते हैं। 2 साल का मतलब ये हो गया लगभग 4-5 एग्जाम वहां पे हो जाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, JRF तो श्योर हो ही जाएगा। तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन की फीस है ऑफिशियली 20,000 रुपए। कितनी है सर? 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट मिलेगा और किसी भी क्लास को अनलिमिटेड टाइम बार बार देखने की इसमें छूट रहती है। बट आप यहाँ पे जो पूछेगा हैव ए रेफरल कोड, एक छोटा सा गिफ्ट का मार्क बना रहता है, देख लीजिएगा, वहां पे आप लिखिए PAREEK10 PAREEK10। जब आप PAREEK10 यूज कर लेते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट फेमस और रेफरल कोड यही लगेगा पॉलिटिकल साइंस में आपके सक्सेस के लिए, तब आपका जो रेफरल कोड लगेगा तो आपकी फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और फीस हो जाएगी 18,000 रुपए। केवल 18,000 में 2 साल तक की अल्टीमेट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप 12 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो 12 मंथ की ऑफिशियल फीस है 13,750। उसी में जब PAREEK10 रेफरल कोड आप लगाएंगे तब आपको फीस कितनी हो जाएगी? 12,375 रुपीज। दोनों ही बेस्ट है, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट 6 मंथ के लिए मैं मना करूंगा, 6 मंथ और उससे कम में मत जाइएगा, बिकॉज फीस है 11,250। PAREEK10 लगा के कोड लगा के फीस हो जाएगी 10,125। अब आप देखो 10,125 में 6 महीना और 12,375 में 12 महीना, तो बेटर है कि 12 मंथ में जाया जाए, सिर्फ 2,000 एक्स्ट्रा लग के 6 महीने हमारे को एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों वहीं पे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको 3 ही वेरिएंट मिलते हैं, 24 मंथ, 12 मंथ एंड 6 मंथ। 24 मंथ की फीस है 45,000, जो कि PAREEK10 कोड यूज करके आपकी फीस हो जाएगी 40,500। 12 महीने की फीस है 26,000, तो जब आप PAREEK10 रेफरल कोड यूज कर लेंगे तो आपकी फीस हो जाएगी 23,400, 23,500। इसकी फीस थोड़ी ज्यादा रहती है बट इसके फीचर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। और वहीं पे 6 मंथ की फीस होती है PAREEK10 कोड यूज करके 16,200। बट रेफर आप कोई भी कोर्स लें, रेफरल कोड आपको जो यूज करना है मेरा वो है PAREEK10। दोस्तों अभी एक ऑफर चल रहा है, 6 मंथ पे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और 12 मंथ पे भी 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलके 8 महीना हो जाएगा और 12 महीने का हो जाएगा 14 महीने का। ये प्लस और आइकॉनिक दोनों पे है, बट 31 जुलाई तक है, आप फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर लीजिए। दोस्तों ये कुछ बैच कोर्सेज हैं हमारे शुरू हुए 14 जुलाई से, इनको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, रेफरल कोड PAREEK10 लग जाएगा। अगर आपको कहीं लगता है कि कंटेंट में किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट में किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम है, तब आप हर किसी भी क्लास के नीचे जाके चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको बग्स बाउंटी के नाम से एक लिंक मिलेगा, उसमें जाके अपना इशू आप रेज कर सकते हैं। मेरे साथियों क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। इसी तरीके से बढ़िया पढ़ना है, दमदार पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है और कल से तो मिशन JRF पे लग जाएंगे, MCQs दमदार तरीके से सॉल्व करेंगे और जो MCQs का स्टैंडर्ड होगा यू वुड रियलाइज इट। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। 3 बजे मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।